ये क्या तरीका है, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग और किसी का रास्ता रोकने का ये क्या मतलब? सर आप मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, आपकी बीवी का कहना है? पहली बात तो ये कि वो मेरी बीवी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मैं ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस मुल्क की वजह से, और एक सेलिब्रिटी की जाती जिंदगी में दखल देने का आपको कोई हक नहीं है। आप पर एक मासूम लड़की के कत्ल का इल्जाम भी है। आप लोग मेरा पीछा क्या बात कर रहे हैं? आप मेरा मीडिया फाइल क्यों कर रहे हैं? आप लोग अदालत समझते हैं खुद को? सारे फैसले आप खुद करेंगे? सिविल सोसाइटी का हक है जिसे रोल मॉडल समझती है उसके बारे में सब कुछ जाने। कौन से सिविल सोसाइटी की बात करते हैं? उसी सिविल सोसाइटी की जो मर चुकी है, जो सांसें ले रही है आखिरी, सड़कों पे दहशत गर्द घूमते फिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कत्लो गारत गरी हो रही है, और वो सिविल सोसाइटी कहीं मरी पड़ी है। उस सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप? उस सिविल सोसाइटी को जगाने के लिए हम जैसे शायरों को आगे आना पड़ता है, समझे आप? सर आप हर बार अपने शायर होने का लाइसेंस ले लेते हैं। आप अपने ग्लैमर के सहारे किसी भी लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। कौन है आप? खबर फरोश है आप लोग, खबरें बेचे जाते हैं। हेलो, क्या कैंसिल हो गए? ओके, बताइए ये सर। फोन भी रिकॉर्ड करेंगे आप लोग। नाज़रीन, मशहूर शायर मजाज सिद्दीकी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सके, वो बचकर चले गए हैं, लेकिन सच्ची खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल हफीज के साथ इरफान उल्ला, नेशनल न्यूज कराची। ये तो इतनी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है।